वेलकम बैक टू माई चैनल रुकस्टार और मैं हूँ रुकसार। सो आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक सी नॉर्मल कोई हॉल वीडियो नहीं है। सो अभी आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि हमारे इंडिया में और पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं कोरोना वायरस के, और उसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी है, लोगों को घर में रहने के लिए बोला है। तो आप सबसे मेरी बहुत ज़्यादा विनती है कि आप सभी घर में रहें जिससे कि ये वायरस स्प्रेड ना हो सके और फैले ना, और इसी तरीके से हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने देश को भी सुरक्षित रख सकते हैं। सो बहुत लोग इसे नॉर्मल ले रहे हैं कि इससे हमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट ये बहुत 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 ज़्यादा सीरियस है और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। लॉकडाउन कर दिया है बट अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बाहर घूमते रहते हैं। सो आप लोगों से बहुत ज़्यादा विनती है मेरी, प्लीज़ घर में रहें, बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड ही तो होता है, फीवर ही तो होता है, तो आप चाइना का एक ऑप्शन देख लीजिए, एक इटली का देख लीजिए कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स हुई है इन अ सिंगल डे। सो प्लीज़ आप लोग घर में ही रहिए, स्टे एट होम, अपना ख्याल रखिए। अपने आपके भी घर में बहुत सारे काम होते हैं सो उसको कीजिए। सो मैं सोचा कि अपने क्वारंटाइन का मैं आपको दिखाऊं कि हम क्या करने वाले हैं। सो आई थॉट कि आप लोग के साथ कुछ ऐसा शेयर करूं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो अभी हो गया है डिनर टाइम एंड आई थिंक कि आपके साथ मैं एक रेसिपी शेयर करूं जो कि अक्सर मेरे घर में बनती है और बहुत ज़्यादा पसंद आती है लोगों को, और आप लोग उसकी रेसिपी भी पूछ रहे थे मुझसे। सो आइए चलते हैं किचन में, कुछ बनाते हैं स्पेशल सा। सो आज बनाऊंगी मैं चिकन कोरमा, और अब कॉमेंट्स में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार चिकन खाना नहीं चाहिए, इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। और अभी मैं एक साइड में आपको स्क्रीन शॉट दिखा दूंगी कि चिकन और कोरोना वायरस का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, और आप यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको एक आध का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि चिकन खाने से कोरोना वायरस कुछ इफेक्ट नहीं होता है, इन दोनों का, चिकन्स आर सेफ। सो आइए बनाते हैं हम अपनी टेस्टी सी डिश चिकन कोरमा। गाइस सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हुए है ये 2 बड़े चम्मच सौंफ भर के लिया हुआ है, और कुछ सूखे मसाले लिए हैं, 4 से 5 ये काली मिर्च ली हुई है हमने, साबुत ली है ये, और ये एक जावित्री की पत्ती है, इसमें ज़्यादा जावित्री हमें नहीं डालनी, और दालचीनी की लकड़ी, लौंग, तेज़पत्ता लिए हैं हमने 2-3 फूल लिए हमने हरी इलायची के, 2 लिए हमने बड़ी इलायची, और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, पिंच ऑफ ज़ीरा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये है अदरक लहसुन यानी कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कोरिएंडर लिया है लास्ट में डालने के लिए, धनिया, एक बड़ा बाउल हमने योगर्ट यानी कि दही लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 3 बड़े प्याज कट कर लिए हैं इस तरीके से, और ये लिया हमने मेन इंग्रेडिएंट हमारा चिकन, ये 1 kg चिकन है, 1 kg के अकॉर्डिंग ही मैंने सारा सामान लिया हुआ है, और कुछ सूखे मसाले लिए हैं हमने, ये हमने छोटी चम्मच, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच रख लिए हैं आपको अच्छे से समझ आने के लिए, छोटा चम्मच हमने ये हल्दी ली है, और ये हमने गरम मसाला लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, ये 2 बड़े चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, धनिया इसमें ज़्यादा डलेगी, और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं या फिर बाद में आप चेक भी कर सकते हैं कि कैसा। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमने सौंफ लिए हुए हैं इसको हम सोक करेंगे। सो सबसे पहले मैंने ये एक पैन ले लिया है, इसमें हम 1 ग्लास पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, इसमें हम ये पूरा ये डाल देंगे, अगर आपको कम लगता है तो आप और भी डाल सकते हैं। इसकी हमें क्या करना है, इसका हमें जूस निकालना है, हमें ये करना है केवल। तो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरी गैस पर, और जब तक ये हमारा उबलेगा, देखिए उबाल हमारा आने लग गया है, तो इसको आपको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही उबलने देना है। और दूसरी वाली गैस पे मैंने रख दी है कढ़ाई, तो जब तक हमारा ये उबल रहा है तब तक हम अपना जो भी हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है वो कर लेते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पर, और अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, आप इसे घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। सो ये मैंने एक दाल वाला इस तरीके से स्पून ले लिया है, इसमें मैं पूरा भर के, ये हमारा 1 स्पून गया, 2 स्पून गया और 3 स्पून हमने इसमें ये सरसों का तेल डाल दिया है। इसको बिल्कुल अच्छे से हम हीट होने देंगे,
सौंफ देखिए बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है, गैस को बंद कर देंगे। इसको अब हम यहाँ पर छान लेंगे बिल्कुल अच्छे से। इसका जो पानी है वो हमें इसमें शिफ्ट कर लेना है कटोरी में। इसको हमने बिल्कुल अच्छे से छान लिया है, इसको अब हम साइड रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारे कोरमे में काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। और देखिए यहाँ पर ये जो हमारा तेल है ये अच्छे से हीट हो चुका है, तो इसमें अब हम ये सारे मसाले शामिल कर देंगे। मसाले देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉटे हो गए हैं। इसमें अब हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे। प्याज हमने डाल दी है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन भी देखिए कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे पूरे में, और इसको बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए ये जब तक हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक हम अपनी अनियंस को फ्राई कर लेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर पैन रख लिया है, और इसको मैंने देखिए गैस बिल्कुल ऑन रखी है, मैंने तेज़ करके रखी है। अब इसमें हम अगेन सरसों का तेल डालेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव घी, तो आप घी में भी बना सकते हैं इसे। इसको बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे, और अब इसमें हम ये अनियन डाल देंगे जो कि हमने कट करके रखी हुई थी। प्याज को हमने पैन में डाल दिया है, अब हम चिकन में जो हमने सूखे मसाले रखे थे ये सारे इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही साथ मैंने ये कुछ मसाला पीस लिया है, इसमें मैंने प्याज पीसी है, अदरक लहसुन और कुछ सूखे मसाले वो भी पीसे हमने, तो इसको हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी ज़्यादा बनेगी। अगर आपको ग्रेवी नॉर्मल रखनी है यानी कि ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, तो आप केवल सूखे मसाले भी डाल सकते हैं, ये वाला मसाला ना डालें तो भी चलेगा। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। प्याज देखिए बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसको हम अलग से बोल में निकाल लेंगे। चिकन देखिए काफी अच्छे से हमारा भुन चुका है, और ये देखिए नीचे की तरफ जब ये इस तरीके से लगने लग जाए तब आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब देखिए ये जो हमने सौंफ का पानी निकाला था इसको थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और चलाएंगे। सौंफ का पानी हमने इसमें डाल दिया है, अब इसमें हम ये दही डालेंगे। तो एक बार में आपको दही नहीं डालना वरना ये फट भी सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए इस तरीके से हम दही डालेंगे और इसको भी मिलाएंगे बिल्कुल अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे।
सारे मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से देखिए भुन गए हैं। अब इसमें हमें ग्रेवी करनी है, तो उसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए हमेशा साइड से पानी डालिए, कभी भी ऊपर से बीच से पानी मत डालिए, वरना सारे मसाले तो ऐसे ही धुल जाते हैं। इसलिए हम हमेशा साइड से पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक गिलास भर के पानी डाला है, आधा गिलास हम इसमें और शामिल करेंगे। और अब इसे हम करीब 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। पहले हम इसे देखिए फुल फ्लेम पे रख रखा है, अभी उबलने लग जाएगा ये, उसके बाद में हम इसे कम कर देंगे और इसे ढक के पकाएंगे करीब 5 मिनट तक, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो चिकन है वो 90% तक पक चुका है, क्योंकि हमने पहले मसालों में भूना, उसके बाद में दही डाल के भूना और फिर अब दोबारा से भूनेंगे, तो हमारा पूरा 100% चिकन भुन जाएगा। तो इसको अब हम देखिए उबाल आने वाला है इसमें, तो उबाल आने के बाद इसे कम कर देंगे और ढक देंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए जब तक हमारा चिकन उबल रहा है, यहाँ पर हमने पुलाव की तैयारी कर ली है। ये कुकर में मैंने थोड़ा सा बहुत ही कम ऑयल डाला है, बहुत ही कम ऑयल डाला है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सूखे मसाले रख लिए हैं जो कि हम एक साथ डाल देंगे। ये है लौंग, इलायची, काली चीनी, नहीं दालचीनी, और ये फूल। तो इसको एक साथ हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हम इसमें जीरा डालेंगे। और फ्लेम को कम कर लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। और देखिए जो हमने फ्राई किए थे ये अनियंस भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर आप नॉर्मल डाल रहे हैं तो पहले तड़के में ही आपको ये अनियन डालने हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने ये चावल ले लिया है और इसमें मैंने थोड़े से ये मटर डाल दिए हैं। अब इसको हम पूरे को इसमें डाल देंगे। पॉज कर लो। मटर और चावल देखिए हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब ये हाफ हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। और इसमें मैंने पानी डाला है करीब 3 ग्लास भर के, और ये आधा ग्लास और डाल रही हूँ मैं। ये देखिए ज़रा इस तरीके से पूरा हमारा रेडी हो गया है। अब इस पर हम ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पर एक सीटी आने के बाद इसको कम कर देंगे। तो देखिए चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से उबल गया है। और ये देखें, ये इस तरीके से अलग होना चाहिए, ये देखें इस तरीके से होना चाहिए आपका चिकन। तो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब देखिए ये जो हमने फ्राइड अनियन किए थे इसको डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम केवड़ा एसेंस 1-2 चम्मच। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया है ये डाबर का केवड़ा वाटर। और लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे ये कोरिएंडर यानी कि धनिया जो कि मैंने कट कर ली है, इसको गार्निश कर देंगे। अब इसको हम ढककर 2 से 3 मिनट तक रख देंगे। एक सीटी आने के बाद देखिए हमने फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है, बिल्कुल कम। अब इसको कम आंच पे पकाएंगे करीब 1 मिनट तक, उसके बाद में बंद कर देंगे। ये देखिए चिकन मैंने एक बोल में निकाल लिया है और काफी अच्छे से कुक हुआ है हमारा चिकन। और जो राइस था वो भी मैंने निकाल लिया है और ये भी काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। देखें पुलाव है, ये पुलाव है और इसको हम खाएंगे ये रोटी के साथ। आप नान भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने रोटी ली है। अब इसको हम खाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताते हैं कैसा बना है।
सो गाइज, हम लोगों ने डिनर कर लिया है और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। सबने बहुत मज़े ले लेकर खाया और आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने बनाना बताया वो आपको पसंद आया होगा। और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कैसे बनाते हैं चिकन कोरमा, क्या आप भी इसी स्टाइल में बनाते हैं, आप थोड़ा सा अलग करते हैं। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं अपना मुंह वॉश करूँगी और सोने चले जाएंगे क्योंकि अब वैसे ही रात का टाइम हो गया है। सो व्लॉग को एंड करने से पहले आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो भी ऑर्डर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, उसको मानिए, वो हमारी ही सेफ्टी के लिए है। अभी घर से बाहर ना निकलें तो आपके लिए ही अच्छा होगा, मतलब हमारे लिए ही अच्छा होगा। और घर में सैनिटाइज़र रखें, कभी बाहर जाते भी हैं और अंदर आते हैं घर में तो हमेशा पहले सैनिटाइज़ कर लीजिए अपने हाथों को, हो सके तो अपने पैर धुलिए, वॉश कीजिए फेस को भी, अच्छे से प्रिकॉशंस लीजिए क्योंकि कहते हैं ना, प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। सो या गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़।